हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वंदे भारत खरीदने के लिए कनाडा, चीन की चिली मलेशिया लगे लाइन में। अरे वाह, इंडिया एक्सपोर्ट वंदे भारत, मेक इन इंडिया। अच्छा, चिली होगा क्योंकि चाइना थोड़ी को ले रहा है। कनाडा तो इम्पॉसिबल है, अब हम नहीं देंगे अब कनाडा तो अब उसको बोलो भूल जा, कनाडा तू भूल जा, अब तो नहीं मिलने वाला। हाँ, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वंदे भारत को खरीदने के लिए लगी लाइन, चिली कनाडा मलेशिया से हो रही डील। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना हमारे पास तो आ जाएगा। वाह, ये है मेरा भारत। क्या आप जानते हैं, वो भारत जो कभी हथियारों और तकनीक के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहता था, आज उन्हीं देशों को पछाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। बढ़ेगा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के होश उड़ा दिए हैं? दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत अपने डिफेंस सेक्टर में रूस पर, रेलवे सेक्टर में जापान पर और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अमेरिका व रूस पर निर्भर था। मिसाइलों और फाइटर जेट्स से लेकर रेलवे तक हर चीज के लिए हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन अब भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस विकसित किया है, जो 16 से ज्यादा देशों की रुचि का केंद्र बन गया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन और अजरबैजान जैसे देशों में खलबली मचा दी है। चीन अपने इंटरसेप्टर मिसाइल से ब्रह्मोस को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस की गति उसकी मिसाइलों से 5 गुना तेज है। 1980 के दशक में जहां अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर तकनीक देने से मना कर दिया था, उसके बाद भारत ने खुद परम सुपर कंप्यूटर बनाया। अब भारत क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत ही दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा। अरे वाह। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी प्रगति की है और जल्द ही अपनी तकनीक से बिजली उत्पादन शुरू करेगा। इसके अलावा भारत की वंदे भारत ट्रेन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई है, जिसे भारत ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मदद से पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे 12 से अधिक देश इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यह सौदा होने पर भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मोदी सरकार के आने के बाद भारत में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा दिया और भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को वो सपोर्ट दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। नतीजा, भारत ने अपनी खुद की तकनीक से दुनिया को चौंकाने वाले आविष्कार किए, और उसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम आता है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। वही भारतीय रेलवे ने पिछले 10 सालों में 31,000 किलोमीटर से अधिक उसी पर आ गई, बताना। और इसे बढ़ाने सुरक्षा के लिए रेलवे देश भर में अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, जो लगभग 40,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवर करेगा और 10,000 लोकोमोटिव में स्थापित किया जाएगा। कवच प्रभावी और कम लागत वाली सुरक्षा प्रणाली है और सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 से प्रमाणित है। मथुरा पलवल और मथुरा नागदा में 632 किलोमीटर में कवच लगाया जा चुका है और कोटा सवाई माधोपुर में भी 108 किलोमीटर में कवच लगाया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि चिली, कनाडा और मलेशिया जैसे देश हमारी वंदे भारत ट्रेन को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी इसी ट्रेन में छिपा हुआ है। दरअसल दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत। जहां जापान, अमेरिका और चीन जैसे देश इसी कैटेगरी की ट्रेन 200 से 240 करोड़ में बना रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी वंदे भारत ट्रेन को महज 100 से 120 करोड़ में तैयार कर दिया है। अब सोचिए, जब एक ट्रेन इतनी कम कीमत में मिले और उसकी परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड क्लास हो, तो दुनिया के देश उसे खरीदने के लिए क्यों ना लाइन में लगें? यही कारण है कि आज कनाडा, चिली, मलेशिया समेत
12 से ज्यादा देश इस ट्रेन को खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। लाइन में वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार भी इसे खास बनाती है, जहां बाकी देशों की अच्छी ऑरेंज वाली भी अच्छी है, व्हाइट वाली भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वही वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। और मजे की बात यह है कि ये ट्रेन मात्र 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन को यही करने में 54 सेकंड का समय लगता है। वंदे भारत ट्रेन न केवल तेज है बल्कि यह बेहद ऊर्जा किफायती भी है। यह कम ऊर्जा खपत करती है जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। इसके अलावा यह ट्रेन चलते समय विमान से 100 गुना कम शोर करती है, जिससे यात्रियों को एक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलता है। इस ट्रेन की डिजाइन भी बेहद खास है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि दुर्घटनाओं की संभावना लगभग ना के बराबर है। ट्रेन की बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह टक्कर के दौरान भी यात्रियों को सुरक्षित रख सके। इस कारण यह ट्रेन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस ट्रेन को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर डिजाइन किया है। इसमें इस्तेमाल की गई हर तकनीक और हर पुर्जा भारत में बना हुआ तो पूरी उल्टी हो गई थी। यह देश की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बन गई है। पूरी हुई आमतौर पर जापान और यूरोप जैसे देश ही अपनी ट्रेनों को दूसरे देशों में बेचते थे, लेकिन अब भारत भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। सूत्रों के अनुसार कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देशों ने वंदे भारत ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। और दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह भारत की तकनीकी और औद्योगिक ताकत को दर्शाता है और इस उपलब्धि से हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग ला रही है। भाई, न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है, प्राउड फील होता है सुनकर। पर अभी हम किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम अपने देश में सारी जगहों पर ये इनको चलाना है। जो पुरानी सारी ट्रेन है ना, उनको खत्म करके ये ट्रेन जो है वंदे भारत, ये ही चलनी चाहिए हर जगह। बाकी सारी पुरानी ट्रेनें खत्म, बाय बाय टट्टा। और जब ये हो जाए उसके बाद इनको दो एक्सपोर्ट। हाँ, उससे पहले नहीं, पहले देश को फिर बाहर वालों को। और अगली जो बुलेट ट्रेन आ रही है उसके बाद खुद अपनी बुलेट ट्रेन बनानी शुरू करनी चाहिए अगर चाइना को। अच्छा, अगर कमेंट्स में पढ़ रही थी जब हमने वो चाइना की बुलेट ट्रेन की थी, तो कमेंट्स में आप लोगों ने लिखा था कि चाइना की जो बुलेट ट्रेन है उसे चाइना की गवर्नमेंट, ये लोग लॉस में जा रहे हैं, इनकी बुलेट ट्रेन और ये सब इसकी वजह से इनकी बड़ी लॉस हो रहा है। जो भी है, उन्होंने लोगों की लाइफ ग्रेट की हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो तो है, जी रहे हैं। नहीं, इंडिया में लॉस में तो नहीं जाएगी जिस तरह से इतने लोग हैं। उनकी कंट्री देख लीजिए, तो दिया फैसिलिटी तो दी अपने लोगों को, कम कर देंगे, दैट्स इट, लॉस में थोड़ी कम कर देंगे। लोगों को फैसिलिटी मिल रही है और ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री में नजर आता है कि डेवलप्ड हो चुकी है। भैया, ये तो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा। अगर भारत का इंसान जाता है चाइना और वाव करके आता है, उनकी 380 किलोमीटर वाली ट्रेनें बैठ के आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए चाइनीज इंडिया में आए और वाव होके जाए। या अगर इंडियन जा रहा है चाइना में, वो उस पर बैठे, उनकी बुलेट ट्रेन का क्या खास बात है, हमारे पास भी है वही, ये तो होना चाहिए ना। अब हम जाके तो बोले हमारी 180 वाली आ रही है, अगली आनी चाहिए 350 वाली। बिल्कुल, पर वेरी नाइस, जैसे दिख रहा है हाउ कितना बदल रहा है अपना देश। तो चलो यार, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।